बिलासपुर का जिक्र, जहां एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। शासकीय स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने के मामले में जिला प्रशासन की टीम मौके पर खुद पहुंची। घटना में घायल बच्चों और टीचर से पूछताछ की गई। घटना 29 जनवरी की। हादसे में स्कूली बच्चे बाल बाल बचे थे। बहुत ही जर्जर भवन था। इस बारे में न्यूज 18 लगातार खबर दिखा रहा था प्रमुखता से, और उसके बाद टीम खुद निरीक्षण करने पहुंची है कि आखिर किन हालातों में यहाँ पर स्कूल संचालित किया जा रहा है। ये हकीकत दिखा देने वाली तस्वीरें हैं। अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे थे, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए ये बड़ी सफलता। दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां छात्र की खुदकुशी के मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा गया है। प्रेमिका सहित तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रताड़ित होकर एमबीए के छात्र ने खुदकुशी की थी। वीडियो बनाकर मां को भी शेयर किया था। झूठे केस में फंसाने के साथ ही प्रताड़ना का भी आरोप था। छावनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, सुसाइड केस को लेकर आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तीन आरोपी नामजद जो कि पाए गए इस पूरे मामले को लेकर, तीनों को ही पुलिस ने ढूंढ निकाला और अब न्यायिक रिमांड पर भेजा। बलौदाबाजार का जिक्र, जहां अवैध खनन और परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। डुंगरी डीह में अवैध रेत खनन और परिवहन करते 5 हाईवा जब्त हुए हैं। 14 दिनों में 26 गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं। आपको बताएं कि बहुत लंबे अरसे से कार्रवाई का दौर चल रहा है। 18 ट्रैक्टर, 2 चेन माउंटेन, 6 हाईवा समेत कुल 26 गाड़ियां जब्त की गई। 5 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। बड़े स्तर पर कार्रवाई चल रही है, इसके बावजूद अवैध खनन की खबरें निरंतर जारी है। लगातार जो है कार्रवाई हमारे द्वारा किया जा रहा है, हमारे यहाँ खनन विभाग है उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है कि ऐसे कहीं पे भी जो अवैध ईंट भट्टा चल रहा है उसके ऊपर हम लोग उसको रोक सके। आपके द्वारा जो संज्ञान लिया गया निश्चित तौर पर वहाँ भी टीम भेज के इसकी जांच कराई जाएगी। कर्णगांव का जिक्र करेंगे, आश्रम में अव्यवस्था पर गाजगिरी है। आश्रम अधीक्षक और आबा कार्यकर्ता पर गाजगिरी। कलेक्टर ने अधीक्षक और आबा कार्यकर्ता को निलंबित कर दिया है। निर्देश सीधे उनकी तरफ से जारी हुए। कोसगांव आश्रम का ये पूरा मामला, कर्णगांव का जिक्र है। आश्रम का अधीक्षक निलंबित किया जा चुका है, कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। धान खरीद का रिकॉर्ड इस बार भी टूटा है। अभियान लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक 142 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदारी हो चुकी है। किसानों को 29 करोड़ 318 करोड़ रुपए का भुगतान। धमतरी जिले में भी धान खरीदी का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो चुका है। सरकार ने डेडलाइन को 4 दिनों तक और बढ़ाया है और यह तय है कि धमतरी में धान खरीदी के सभी पिछले रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। धमतरी जिले में 1,24,000 पंजीकृत किसान, जिनमें से 1,19,000 किसान अपना धान बेच चुके हैं। आया हूँ सोसाइटी में धान बेचने के लिए। 21 क्विंटल 60 किलो का धान बेचा हूँ मैं आज। टोकन कल कटा है, आज बेचा हूँ मैं। अच्छा, तो लास्ट डेट तो अभी होने वाला रही से तो। हाँ, लास्ट डेट रही से 4 दिन का और बढ़ा दे हैं गवर्नमेंट है। संतुष्ट हो आप? संतुष्ट हूँ उधर से, और किसान मतलब भी उधर से संतुष्ट है। मना डेट बढ़ाने से कुछ किसान जैसे छूट गए थे, वो लोग अभी आ रहे हैं और टोकन कटवाने के लिए। उसका भी कांटे जा रहा है अभी हमारी समिति का। और जैसे बोल दिया गया था कि 31 तक ही खरीदी किया जाना है, तो हम लोग उसमें 31 लास्ट डेट में पूरा डाल दिए थे। उसमें लगभग 230 किसानों का कटा है आज के डेट में, और अभी अभी भी आ रहे हैं। आवाज का भी स्थिति बना हुआ है। और उठाव को किया स्थिति? उठाव के लिए तो परिवहन के लिए गाड़ी तो लग ही रहा है, अब उसको स्थिति देख के उसके हिसाब से ही हमालों को व्यवस्था करके। धमतरी जिले में धान खरीदी बहुत ही सुचारू रूप से और अच्छे से चल रही है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में 5,87,000 मेट्रिक टन का उपार्जन कर लिया गया है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 6 लाख मेट्रिक टन तक खरीदी जाएगी, और उसके बाद हमने सभी किसानों का, भाजपा किसानों का धान खरीद लिया होगा। आज 80% समितियों में खरीदी खत्म हो जाएगी और आने वाले 1 से 2 दिन में पूरे जिले में खरीदी। बलौदाबाजार जिले में अवैध ईंट भट्टे से लोग परेशान हैं। इसके इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। जिले के गिथौरी और पलारी क्षेत्र के सड़क किनारे कई अवैध ईंट भट्टे हैं। अब प्रशासन इन पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा है कि अवैध ईंट भट्टे पर सख्त कार्रवाई होने वाली है। लगातार जो है कार्रवाई हमारे द्वारा किया जा रहा है, हमारे यहाँ खनन विभाग है उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है कि ऐसे कहीं पे भी जो अवैध ईंट भट्टा चल रहा है उसके ऊपर हम लोग उसको रोक सके। निश्चित तौर पर वहां भी टीम भेज के इसकी जांच कराई जाए।
धमतरी की यातायात पुलिस ने प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। कान फोड़ू शोर मचाने वाले ऐसे ट्रक और बसों में लगे प्रेशर हॉर्न को जब्त भी किया जा रहा है, चालान भी काटा जा रहा है। सिर्फ 7 दिनों में ही 164,000 के चालान कटे गए हैं। यातायात पुलिस ने अभियान को बहुत व्यापक स्तर तक पहुंचाया है। विद्यार्थी की परीक्षा भी सामने और ऐसे में शोर मचाने वाले वाहनों पर सकती है। जो ज्यादा आवाज में डीजे बजा रहे हैं या गाड़ियां जो प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर रही है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करें करके उसके परिपालन में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई 23 जनवरी से शुरू हुआ है और लगातार अभी तक चल रहा है। अभी तक लगभग 483 प्रकरण बन चुके हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसका मकसद केवल यही है कि आम आदमी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कोई अगर बजा रहा है डीजे और जो प्रेशर हॉर्न है उससे दूसरे नागरिक को परेशानी ना हो।